You're coming back. But how would you have done things differently? Particularly, Ms. Modi, Gujarat is seen as the model of development. You've criticized the government for its economic agenda, for the Congress manifesto. How would you have tackled... मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की आलोचना क्यों ना करूं? कांग्रेस ने पिछले मैनिफेस्टो में कहा था हम 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे और 5 साल के बाद प्रणब मुखर्जी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं 5 लाख लोगों का रोजगार चला गया और लोगों का ये जाएगा। जब वो कहते हैं और लोगों का जाएगा तो मैं कहता हूं सबसे पहले रोजगार जाने वाला है 16 मई को ये दिल्ली सरकार में बैठे हुए सबकी रोजी रोटी जाने वाली है। दूसरी बात है ये देश की सरकार को ये तो पता होना चाहिए अगर वो गरीबों की बात करते हैं तो देश में गरीबों के लिए किस राज्य में क्या हो रहा है, गरीबों की हालत क्या है, इनको जानकारी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी गलती की है, उन्होंने कहा है कि 3 रुपए के लोग गेहूं गरीबों को देंगे लेकिन उनको इतनी जानकारी नहीं है। सरकार में बैठे हैं 5 साल से कि गुजरात राज्य है जो पिछले 7 साल से गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूं देता है। अगर उनको इतना भी ज्ञान होता कि गुजरात में क्या हो रहा है तो 3 रुपये देने की गलती नहीं करते। अब मैं चुनाव में जाके मुझे क्या करना है, मुझे लोगों को कहना है 2 रुपये किलो गेहूं चाहिए तो भाजपा को लाइए, 3 रुपये किलो गेहूं चाहिए तो कांग्रेस वालों को लाइए, कांग्रेस का वादा है 3 रुपये का, मेरा वादा है मैं 7 साल से 2 रुपये दे रहा हूं। ऐसी अगर गलतियां कांग्रेस करे तो मैं आलोचना करूं ना करूं। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द इश्यू इन दिस इलेक्शन? सीधा सीधा इश्यू है यह देश वोट बैंक पॉलिटिक्स की ओर जाएगा, यह देश डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को और जाएगा। और गुजरात का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि डेवलपमेंट पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की सभी समस्याओं का जवाब दे सकता है और हम चाहते हैं देश को डेवलपमेंट की राजनीति करने के लिए वोट बैंक की राजनीति से इस देश को मुक्त कराना चाहते हैं। ये सीधा सीधा एजेंडा लेकर के हम काम कर रहे हैं। दूसरा एजेंडा है इतने बड़े देश को और जब इंटरनेशनल इतनी बड़ी क्राइसिस पैदा हुई है, तालिबान हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, माओवाद हिंदुस्तान के पूरब को पकड़ के बैठा हुआ है, इंसर्जेंसी बेशुमार चल रही है, आए दिन हिंदुस्तान में बम धमाके हो रहे हैं, ऐसे समय देश को कैसा नेता चाहिए, किस प्रकार का नेतृत्व चाहिए? अच्छा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया है, भाजपा और एनडीए ने आडवाणी जी को घोषित किया है। और मजा देखिए, कांग्रेस पार्टी तो मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री मानने को तैयार है लेकिन उसी सरकार में आज बैठे हुए मंत्री और उनके दल मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं ऐसा कह रहे हैं। इससे बड़ी कोई आलोचना नहीं हो सकती है लेकिन इस देश के न्यूज ट्रेडर इस बातों को चर्चा करने को तैयार नहीं है क्योंकि शायद उनके 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 रोजी रोटी पर सवाल खड़ा हो जाएगा। अगर जिनियन मीडिया है तो इस बात को उठाएगा कि भाई क्या बात है कि जो लोग आज सरकार के अंदर बैठे हैं वे कहते हैं कि हम मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में नहीं चाहते हैं, न मानते हैं, न उनको स्वीकार करते हैं। अकेली कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह जी को लेकर चल रही जबकि एनडीए में आडवाणी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, सभी एनडीए दलों ने तय किया। ऑलराइट, यू से डेवलपमेंट टेरर इज आर इश्यूज फॉर द बीजेपी इन दिस इलेक्शन इज हिंदुत्व एन इश्यू। ये आप क्या हिंदुत्व क्या चीज है मुझे समझना है। ऑलराइट, आडवाणी समझना चाहता हूँ। ऑलराइट, आडवाणी जी फॉर एग्जाम्पल स्पोक अबाउट द राम मंदिर। राम मंदिर एक कार्यक्रम है कि हिंदुत्व है? इट इज पार्ट ऑफ हिंदुत्व। ये मैं बताता हूँ हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व ये कहता है सर्वधर्म संभव, इस देश में कौन है जो इसका विरोध करेगा। हिंदुत्व कहता है एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक है, अलग अलग लोग उसको अलग अलग रूप से कहते हैं, चाहे वो कुरान को मानते होंगे, गीता को मानते होंगे, महाभारत को मानते होंगे, रामायण को मानते होंगे, किसको इसका विरोध है। अगर कोई हिंदुत्व कहता है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सबको सुख हो, सबको अच्छा आरोग्य हो, सबको शिक्षा दीक्षा हो, ये हिंदुत्व कहता है। है कोई इस देश में जो इसका विरोध करे? यू टॉक अबाउट वाइब्रेंट गुजरात, दिस इज योर दिस द इन्वेस्टमेंट दैट केम इनटू वाइब्रेंट गुजरात। मेनी ऑफ योर क्रिटिक्स आल्सो से दैट व्हेन यू टॉक अबाउट 5 करोड़ गुजराती, एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इज इट अबाउट 5 करोड़पति गुजराती। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? आपको जानकारी होगी कि मैं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2 साल में 1 बार करता हूं और वो भी 2 दिन के लिए करता हूं, वो भी डेट फिक्स है 12-13 जनवरी, 2 साल में 1 बार करता हूं। लेकिन मैं हर वर्ष एक कृषि महोत्सव करता हूं जो 30 दिन का होता है। वाइब्रेंट गुजरात में 2 साल में 1 बार मेरे 1000 से ज्यादा सरकार के अधिकारी नहीं लगते हैं,
मैं कृषि महोत्सव करता हूँ, महीने के लिए करता हूँ और गांव के अंदर खेतों तक मेरी पूरी सरकार को ले जाता हूँ और 1,00,000 मेरी सरकार के सभी मेरे साथी महीने भर मई जून की गर्मी में गांव में रहते हैं और अभियान चल रहे हैं। क्या ये 5 करोड़ नागरिकों का काम है कि नहीं है? 13, 14, 15 जून जबकि यहाँ 44-45 डिग्री टेम्परेचर होता है, मेरी सरकार के सभी मंत्री, मेरी सरकार के सभी आईएएस आईपीएस आईएफएस अफसर ये गांव में रहते हैं 3 दिन और घर घर जाकर के बच्चों को स्कूल लेकर के जाते हैं। क्या ये 5 करोड़ नागरिकों का काम है कि नहीं है? मैं गुजरात के अंदर चेकडैम का अभियान चला रहा हूँ, 3,00,000 चेकडैम बनाए, पूरे हिंदुस्तान में वाटर टेबल नीचे जा रहे हैं, गुजरात के अंदर वाटर टेबल ऊपर आए हैं। क्या ये 5 करोड़ नागरिकों का काम है कि नहीं है? 2 साल में 2 दिन का कार्यक्रम, उसके लिए तो आपके पास बहुत बड़े कोटेबल कोर्ट हैं, लेकिन हर वर्ष 1 महीने तक गांव में जाकर के गर्मी में मिट्टी खाने वाली मेरी पूरी सरकार, उसके लिए आपके पास 1 कोटेबल कोर्ट नहीं है। इससे बड़ा दुर्दैव देश का कोई नहीं हो सकता है, इससे बड़ा दुर्दैव मीडिया के डेवलपमेंट या मीडिया की दिशा का नहीं हो सकता है। मैं चाहूंगा कि आप गुजरात आई हैं, आप देखिए कैसे गुजरात की गरीब आदमी का भलाई हो रही है। 3 रुपए किलो गेहूं या 2 रुपए किलो गेहूं, क्या 5 करोड़ नागरिकों का काम नहीं है?